आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल का जो जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, वह हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप ऐसे देखेंगे तो सेफ शॉप में जब मैं आया था तो सेफ शॉप में हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं थे, या आयुर्वेद के प्रोडक्ट नहीं थे, या हर्बल के प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन पिछले एक सालों से, दो सालों से यहाँ पर हेल्थ के भी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और आयुर्वेद के भी प्रोडक्ट, ऐसे हर्बल के भी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। तो हमें जैसे किसी को बताना है तो जिस सिस्टम में हम लोग, जिस मेंटर्स, जिस टीचर्स के माध्यम से हम लोग ट्रेंड होते हैं या सीखते हैं, तो उनके कहने का यही मतलब होता है कि पहले आप खुद जानिए और खुद इस्तेमाल करिए, और जब आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो तो आप उसे लोगों के बीच में शेयर करिए। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा तो आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ और कोई बहुत बड़ा आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल किया है और जिस तरह से मुझे समझ में आया है, मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़े चैप्टर की बात करूँगा, एक बड़े टॉपिक की बात करूँगा, और वो टॉपिक है ये महिलाओं का मोटापा। ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे तो ये महिलाओं का जो मोटापे से परेशान होते हैं, और इस आप ऐसे देखेंगे तो इससे कई बीमारियाँ उभर जाती हैं। ऐसे देखेंगे तो पूरे शरीर में, चाहे महिला हो, जो मेरा अपना अनुभव है कि महिला हो या पुरुष हो, बहुत सारी जो 70% बीमारियाँ होती हैं वो पेट से ही सृजित होती हैं, पेट से ही चालू होती हैं, या पेट से ही आप ऐसे देखें तो सारी बीमारियाँ फैलती हैं। और जो अक्सर जो ये महिलाओं में जो पेट वजन का, या थायराइड का, या सूजन का, या जोड़ों में दर्द रहने का, कमर में दर्द रहने का, पीठ में दर्द रहने का, और मिचली आने का, या बीपी बढ़ जाने का, जो सबसे ज़्यादा जो शिकायत होती है वो उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है जो अपने उम्र के हिसाब से उनका वजन जिनका बढ़ा हुआ होता है। ऐसे ही लोगों को मिचली आने की, जोड़ों में दर्द रहने की, थायराइड की, बीपी की, और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो चलती चली जाती हैं, अनगिनत होती चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि बड़ी बीमारी कौन है, छोटी बीमारी कौन है। तो आप ऐसे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को हम प्राइमरी स्टेज पर रोक सकते हैं। और ये बीमारी जब ऐसे देखा जाए तो जो मुझे लगता है कि ये बीमारी तब ज़्यादा शुरू हो जाती है जब शादी के बाद, जब पहला जो बेबी होता है उसके बाद से सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है, और उसके बाद से अनवरत ये बढ़ती चली जाती है। और फिर एक दिन जब 50 साल की हमारी उम्र होती है तो उसके बाद से ये जो बीमारी होती है हम ही पे भारी पड़ जाती है, और फिर हम नाना प्रकार के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके नाना प्रकार के सजेशन को अडॉप्ट करते हैं, और उनकी जो मेडिसिन होती हैं उसको हम लेते हैं। और ऐसा माना जाता है, बताया जाता है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उसको खाने से बीमारी तुरंत सही हो जाती है, लेकिन बीमारी तुरंत ठीक होने के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट इतने दमदार होते हैं कि उसी के सिमिलर एक और बीमारी हो जाती है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, और इसको रोकने का कोई थम, कोई एकदम सर्टिफाइड रूल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में, खान पान में, और काम करने के तरीके में अगर आप अपना सुधार करते हैं या उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर शिल्पा शेट्टी की बात करें या ये करीना कपूर की बात करें, खान पान को सही करके, दिन को सही करके, काम दाम करने के तरीके को सही करके, इन्होंने अपने, आप ऐसे देखें तो इन्होंने अपने वजन को कंट्रोल किया हुआ है। और वजन को कंट्रोल करने का आप ऐसे देखेंगे तो किसी का मन नहीं करता, मेरा भी मन करता है कि बड़ा ऐसे करूं, क्या मतलब है, बेमतलब करो। लेकिन यकीनन मैं बताऊं तो भारत में केवल 7% लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत को लेकर के जागरूक हैं, आप ऐसे समझें। बाकी आप ऐसे देखिए, उस 139 करोड़ की आबादी है, उसमें से केवल 7 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हैं, बाकी सारे लोग या तो बीमार हो चुके हैं या तो बीमारी की कगार पे पहुँचे हुए हैं या पहुँच रहे हैं। तो ऐसे मैं बताना चाहूँगा इस ट्यूटोरियल के माध्यम से जो मुझे अनुभव है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, जैसे महिलाओं का जो मोटापा है उसको कैसे रोका जाता है, थायराइड या बीपी की जो शिकायत है, या उलझन या मिचली की जो शिकायत है, या जोड़ों में दर्द रहने की शिकायत है। तो सबसे पहला जो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुबह, आप लोग जब भी उठें तो आप लोग गर्म पानी पिएं, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग गर्म पानी पिएं। दूसरा, आप लोग चाय पीना बंद कर दें,
या काली चाय पिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग कोई बीमारी है या इसका कोई भी छोटा मोटा लक्षण आपके अंदर आने वाला है तो आप प्लीज़ गर्म पानी पीजिए, चाय मत पीजिए। और अगर चाय पीना ही है तो आप ऐसे देखें तो काली चाय पीजिए। तो ये दो तरीका हो गया। तीसरा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर कहूँगा कि आप लोग के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि आप लोग यूरिन को स्टोर करते हैं, जबकि यूरिन को तुरंत रिलीज़ कर देने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग यूरिन को तुरंत रिलीज़ करें, पेट खाली रहेगा, साफ रहेगा। और जब पेट साफ रहेगा तो पूरी जो शरीर है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है सही जगह पे होगा, सही तरीके से होगा। और उसके बाद से आप देखें तो आप पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिसकी वजह से आपके जो शरीर में जो खराब जो तत्व हैं वो यूरिन के माध्यम से जो है बाहर हो सकें। और आप उसके बाद से देखेंगे तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब कुछ खाएं, दिन भर खाएं, लेकिन 6:30 बजे के बाद कुछ ना खाएं। सही ना, सब कुछ खाएं, दिन भर खाएं, लेकिन 6:30 बजे के बाद कुछ मत खाएं। उसके बाद सीधा आप डिनर करें, और डिनर करें उसके बाद आप सो सकते हैं, टहल करके थोड़ा सोइए। अगर स्लिम ट्रिम बनना चाहते हैं या अपने एज के हिसाब से अपने जो बॉडी का जो वजन है वो रखना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। और आप ऐसे देखें तो घर में बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, तो वो झाड़ू पोछा में मस्त रहते हैं, ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ते हैं, और वो लोग कहते हैं कि अरे हमें क्या टहलने की ज़रूरत है, हमें क्या बाहर जा कर के योगा व्यायाम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसे दिन भर आप सीढ़ी चढ़ते रहिए, ऊपर आते रहिए, झाड़ू पोछा लगाते रहिए, इससे आपका पेट आपकी हिप आपके अंदर बाहर नहीं होने वाली। आपको प्रॉपर एक योगा करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको कुछ समय के लिए व्यायाम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट और हिप दोनों कंट्रोल में रहें, आपको सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताया, जैसे बीपी है या आपको थायराइड है या आपको उलझन होती है, मिचली होती है या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, इन सबको भगाने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हो पाएंगी। तो दोस्तों जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बताया। और अगर आप सेब साफ में हैं या इसको आप दवाओं के माध्यम से दूर करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, और सेब साफ में इन सब चीज़ों को दूर करने का, यानी कि 1300 बीमारियों को ठीक करने का, आप जैसे जो मैंने बीमारियां बताई इसको ठीक करने का, कंट्रोल करने का एक सबसे नायाब और अल्टीमेट सोल्यूशन सिरप है, और जिसका नाम है नोनी। और इस नोनी प्रोडक्ट को लेकर के अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी डोज के हिसाब से, नियम के हिसाब से, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 15वें दिन से इसका आपको असर दिखने लगेगा। और 100 दिन तक अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप महिला हैं तो आप प्लीज़ इसका फॉलो करिए, इन सब चीज़ों का फॉलो करिए, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए और लोगों को जागरूक करिए। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।